आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना जगदीशपुरा अवधपुरी में चोरों ने शिक्षक के घर को निशाना बना लिया। चोरी की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब परिवार के लोग घर में सो रहे थे। चोर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। थाना जगदीशपुरा अवधपुरी में चोरों ने शिक्षक हरेंद्र सिंह के घर को निशाना बना लिया। चोरों ने चोरी की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवार के लोग घर के अंदर ही सो रहे थे। चोर उस कमरे में पहुंचते हैं जिस कमरे में कोई नहीं था। चोरों ने अलमारी को तोड़ी और सामान को समेटकर छत पर ले गए। परिवार के लोगों को इस बात का आवाज तक नहीं हुआ कि घर में चोर घुसे हुए हैं। हम लोग घर में ही निकट के कमरे में थे और सो रहे। ये कल रात करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की घटना है, क्योंकि 1 बजे तक हम लोग सभी जगे हुए थे और कूलर की काफ़ी तेज़ आवाज़ थी बाहर जो है, और बाहर खिड़की शायद गर्मी की वजह से खोलने की वजह से संभावना है कि बाहर से किसी व्यक्ति ने अंदर हाथ डाला हो या किसी तरह से वो मकान के अंदर आए हैं और हमारे कमरे की बाहर से कुंडी लगाने का। नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ कूलर बहुत तेज़ आवाज़ करता है तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा बताया गया है कि चोर 50 तोले सोने के जेवरात और करीब 1 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। चोरी की वारदात के बाद परिवार के लोगों के होश उड़ गए। दरअसल हमारे कमरे के दरवाजे चारों तरफ से बंद थे और बगल का जो दरवाज़ा है उसमें से बगल से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि अंदर वो एयर कंडीशन रूम है तो बिल्कुल साउंड प्रूफ रहता है कमरा, और बाहर कूलर की तेज़ आवाज़ की वजह से बिल्कुल भी अगर छोटी मोटी खटपट होती है तो सुनाई नहीं दे सकता। बरामदे में पिताजी सो रहे थे कूलर के पास में ही। मौके पर थाना जगदीशपुरा पुलिस पहुंच गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोरी की वारदात के बाद हरेंद्र सिंह के पिता और माँ खैरे सदमे में है। मैं उस समय सो रहा था सर, और जब ये आए होंगे तो मैं सो रहा था, कुंडी को खोला इन्होंने अंदर से। कितने बजे करीब आप लोग हम सोए हैं करीब 10:45 बजे करीब सोए, और बेटे ने आकर मुझे बताया कि पापा यहाँ पर आप चोरी हो गई आपके घर में, क्या कर रहे हो? तो मैं तुरंत जग के बैठा, देखा गया तो देखा कि वहाँ पर अलमारी की जो है वो तोड़ी गई है, और वहाँ जो आभूषण था दाम पानी थे सब ले गए, लूट ले गए। अब मेरी सब योजना को उनको कैसे मालूम, तो बगल में अलमारी भी और भी है उसको क्यों नहीं छुआ, उन्होंने टारगेट उसी को क्यों बनाया जिसमें हमारा सौदा रखा हुआ था। परिचित भी हो सकता है ऐसा लगता है मुझे, लेकिन अभी हमने फुटेज निकलवाई है वकील साहब है रामप्रकाश शर्मा जी के यहाँ से, अभी पता लगाया है कि उसमें 2 आदमी बाइक से जाते हुए बीच में कुछ सौदा रखा हुआ है और उसमें नकाबपोश भी लगाए हुए हैं। 2 आ रहे थे और एक सोने की कंदनी, 7 लड़की, 10 दस्ते थे, 4 चैन, 2 थैला की, 14 अंगूठी और कंगन है, और कानन के 5-6 जोड़ी है जिन लड़कियों ने रखे यहीं पर। नहीं, और करीब 50 तोलो सोनो था सब। मेरी शादी हुई है तब से वो पे बनवाते रहती, रखत रहती, 240 तो सोना तब तक मैं बनाते रहती। कल गई शाम को, परसों आई, कल गई मैं चली जाती। मेरी तबीयत सही, लड़का तो बहुत अच्छा है हमारा, सीधा है, रखता है मुझे बढ़िया, लेकिन मैंने की परेशान हो, बिजी रहते हैं पढ़ाने लिखाने में, मेरी दवाई कभी कहीं वहाँ गली में हाल बच्चे काम कर देते हैं इसीलिए रहती हूँ वहाँ पर, यहाँ मुझे अच्छे रखता है मेरा बेटा। जिस तरीके से चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है उसे देख लगता है कि चोर घर से परिचित है। चोरी की इस वारदात के बाद आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, इसके अलावा मोबाइल फोनों को भी खंगाला जा रहा है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि रात के समय कौन कौन से लोग क्षेत्र में थे। देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों तक पहुंच पाती है। गनीमत ये रही कि जिस समय चोर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे जगार नहीं हुई, अन्यथा चोर हमला भी कर सकते। शिक्षक हरेंद्र सिंह के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे। चोरों ने यहाँ से हाथ डालकर इस दरवाजे की कुंडी को खोला और चोर अंदर की तरफ दाखिल हो गए। शिक्षक हरेंद्र सिंह के पिता यहीं पर सो रहे थे, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं इस कमरे के अंदर सो रहे थे। चोर इस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, सीधे इस कमरे में पहुंचते हैं और
टारगेट पर केवल इस अलमारी को लेते हैं। अलमारी दो पार्ट में है, चोर केवल उसी हिस्से को निशाना बनाते हैं जिस हिस्से में ज्वेलरी थी। लाखों रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी, चोरों ने केवल उसी तिजोरी को हाथ लगाया, इसके अलावा चोरों ने किसी दूसरे सामान को छुआ तक नहीं। इससे इतना साफ हो जाता है कि चोर परिचित हैं, जिन्हें इस बात का पूरी तरह पता है कि ज्वेलरी कहां पर रखी है, क्योंकि एक ही अलमारी के एक ही हिस्से को चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड ने जांच पड़ताल की है, चोरों का पता लगाया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। चोरी बड़ी है, लाखों रुपए की ज्वेलरी गई है। चोरी की इस वारदात के बाद परिवार के लोग सदमे में, देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों का पता लगा पाती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि चोर परिचित है। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।